हेलो, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? शुक्र लगा। ठीक, आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और दानिया मैम कैसी हैं? दानी मैम ज़बरदस्त, बेहतरीन। हाँ जी, अच्छा सरकाशो, आपसे पहले भी एक दफ़ा मेरी बात हुई थी, आसमा, और मैंने अपने हस्बैंड से भी बात करवाई थी जी फिर बिल्कुल आपसे। बिल्कुल, आई हाँ डू रिमेम्बर। यस, आप फैसलाबाद से हैं? जी, फैसलाबाद जी से। जी आई डू रिमेम्बर। तब मैंने आपसे बात की थी और कहा था कि जी ये सारा सेटअप हम करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल अब ऐसा ये है कि हमने वो किया है, जैसे आपने मतलब गाइड किया था हमें ठीक कि है। अभी कंप्यूटर वगैरह का अरेंज कर लें और फिर उसके बाद करें, तो वो अरेंज हो गया। अब सेट करते करते मतलब इस मंथ में हम तकरीबन सेट हो गए हैं। अब आपसे थोड़ी सी सजेशन लेनी थी हमने, एक दो बातें। जी जी प्लीज। एक तो ये कि मैं, मेरी जो स्किल है, मैंने आपको बताया था कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट की तरफ है, मैं सोच रही थी कि मैं उसका एक यूट्यूब चैनल बना लूं, बहुत अच्छा सोच रही हैं आप। लेकिन मसला थोड़ा सा ये है कि चैनल ऑलरेडी काफी लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसा यूनिक सा आइडिया सोचना चाह रही थी मैं कि कौन सा हो जिससे मतलब थोड़ा हटके भी हो और मैं सिखा भी दूं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंटेंट है ना, वो एक मैं आपको ना समझाता हूँ एक बात ना, यूनिक वाली बात वाली साइड पे बाद में जाते हैं। पहले आपने एक बात ये समझनी है कि बहुत सारे लोग समझा ज़रूर रहे होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबकी बात सबको समझ आती हो। ठीक है, जी कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले लोग जो उनसे हैं वो आटे में नमक के बराबर हैं। जो ज़्यादा आपको सोचना चाहिए, अगर आप एंड्रॉयड ही सिखाना चाह रही हैं, तो आपको जो ज़्यादा सोचने वाली बात जो सोचनी चाहिए वो ये सोचनी चाहिए कि आप अपने कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे ऑफर कर सकती हैं। मतलब आपका कंटेंट किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। अगर लेट से कोई एंड्रॉयड ऑलरेडी अगर पढ़ा रहा है प्रोफेसर एक, और एक प्रोफेसर दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो एक प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर से किस वजह से बेहतर होता है? ऑब्वियसली वो अपने कंटेंट के पढ़ाने के तरीके की वजह से बेहतर होता है, वो अपनी एनालॉजीज की वजह से बेहतर होता है, कि किस तरह से वो एग्जाम्पल देता है, किस तरह से वो मिसाल देता है, किस तरह से लोगों को और ऑडियंस को समझते हुए उनके मुताबिक उनकी प्रॉब्लम्स को समझाता है, बजाय इसके कि वो अपने मुताबिक जो उनसे है ना वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, वो ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनकी उनकी प्रॉब्लम्स और उनके इशूज़ और उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्यूशंस दे रहा होता है और उस तरह से डिलीवर कर रहा होता है। तो आप हाँ जी, ये ऐसे यूनिक वाली ऐसे ही बात को है। जो है ना वो अपने माइंड से निकाल दें। जब आप कंटेंट, लेट से आपने अपने कंटेंट अपने यूट्यूब चैनल का नाम रख दिया है एपलेट, लेट से ठीक है, जी या जी एंड्रॉयड रख दिया आपने उसका नाम, तो एंड्रॉयड का जो चैनल आपने रखा है उसके अंदर जब आप लेट से कोई 50 वीडियोज़ या 40 वीडियोज़ जब आप अपलोड कर देंगे ना, तो आपकी ऑडियंस ऑब्वियसली आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेगी कि मैम इसके बारे में बता दें, उसके बारे में बता दें। तो जब आप उसके बारे में बताएंगी उनको, तो वो फर्दर क्वेश्चन करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी कि ये लोगों को प्रॉब्लम क्या है। तो जो जो क्वेश्चंस वो आपसे करते जाएं, जो जो प्रॉब्लम्स वो आपसे पूछते जाएं, उन उनकी भी उस तरह की वीडियोस, जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं वो वाली वीडियोस बनाती जाएं, तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे है ना वो आपका चैनल जो है वो ग्रो करता जाएगा। अगर आप डे वन से ये सोचेंगी ना कि मैं यूनिक कर लूँ इसको, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वालिटी कॉन्टेंट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मैं एंड्रॉइड और एंड्रॉइड में यूज होने वाली डिफरेंट जो लैंग्वेजेस है ना, वो सारी मैं सोच रही थी अलग अलग करके ना, इसमें हाँ, मैं वो जितने भी लेट्स जावा से हो ऑलराइट, गई, एच उसमें टी उसका एम तरीका ये है कि एल आप हो दस दस या 15 जो भी आपके 10-15 20 जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में है ना, वो आप एक पेज पे गई। ना लिखती जाएं। लेट्स से कि आप ना लैंग्वेजेस कवर करना चाहती हैं, आप स्टोर्स को कवर करना चाहती हैं, आप एंड्रॉयड से रिलेटेड मार्केट्स को कवर करना चाहती हैं, और बाकी भी जो एंड्रॉयड से रिलेटेड सब चीज़ें हैं उनको आप कवर करना चाहती हैं, तो आप उनको लिख लें। उनको लिखने के बाद आप गूगल पे उस पर यूट्यूब पे जाके उससे रेलेवेंट सर्चेस करें। ठीक है, रेलेवेंट सर्चेस के बाद लेट्स से अगर आपकी कैटेगरी हाँ जी, अगर वो हाँ मैंने किया है वो जैसे कॉन्सेप्ट, करना है मतलब ठीक जो है, मैंने तो मतलब उसमें एक बार प्लान से किया था ना, हाँ तो उसको सर्च आउट वो करके देखा ठीक है, तो 10 डिफरेंट जो बकेट्स बना रही हैं आप मैंने। लेट्स से डिफरेंट चीज़ों की, उनके अंदर आप एक एक वीडियो या दो दो वीडियोस क्रिएट कर दें। ठीक है, जब आप एक एक दो दो वीडियोस क्रिएट कर देंगे 10 डिफरेंट चीज़ों की जो आपके पास आइडियाज़ हैं, तो उनके बाद उसके बाद आपको पता लगेगा आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद जिन चीज़ों पर लोगों का ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा उसको आप फॉरवर्ड आगे लेके जो है ना उसको आप कैरी कर रहे हैं आगे, और जिसमें आपको लगे कि यार इसमें लोग पीपल आर नॉट दैट इंटरेस्टेड एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट एंगेजमेंट, तो उन चीज़ों को जो है वो पीछे कर दें, और जिसपे आपको लगे कि लेट से इस पर तो बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू नो मोर एंड दे आर आस्किंग मी क्वेश्चन, तो उसके ऊपर आप जो है कॉन्टेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इस तरह से आपने स्ट्रेटेजी इसकी बनानी है, इस तरह से लेके चलना है इसको। सही है,
दूसरा ये मैं नाम का भी आपसे थोड़ा सा सजेशन लेना चाहती थी। नाम ऐसा होना चाहिए जिसको आप ओन कर सकें। ओन करने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके घर आज कोई बेटा या बेटी पैदा होता है ना, तो उसका नाम आप रखेंगी बहुत दिल से, और फिर उसको आप ऐसा सब बड़ा करेंगी। इसी तरह जब आप बिज़नेस करते हैं ना, तो आप बिज़नेस का नाम बिल्कुल इस तरह से रखते हैं जिससे आप मोहब्बत कर सकें, जिसको आप पाल सकें, जिसको आप बड़ा कर सकें, जिसके साथ आपकी आपकी एक 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 फोरसीन सोच हो जिसके पीछे, ठीक है। तो वो आपने नाम कुछ भी रखें, आप अलिफ रख लें नाम उसका, बे रख लें उसका, ए रख लें, सी रख लें, वट एवर, इस ये मैंने मैटर नहीं करता। सोचा था बट वो ऑलरेडी चैनल है। क्या क्या सोचा था? अलीफ। हाँ, तो वो इट्स नॉट अबाउट कि आप प्रिसाइसली क्या नाम, जो भी नाम आप रखना चाहती हैं नाम आप रख लें, लेकिन उस नाम ऐसा हो जिससे आप मोहब्बत कर सकें। तो वो अगर मैं आपको नाम दूंगा ना, तो वो मेरा दिया हुआ नाम है ना, तो मेरे दिए हुए नाम से मैं आपसे आपको, सजेशन मांगती हाँ, आप ये है कि आप मुझे लाइक, अगर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, यू कैन शेयर कपल ऑफ ऑप्शंस विद मी, एंड उसमें से एक जो है ना नाम जो है, एक दो नाम जो है, मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके कह सकता हूँ कि आप इन इनके साथ चले जाएँ जो मुझे अच्छे लगेंगे, ठीक है। और हमने ये पूछना था कि फाइवर पे काम किया है, साकिब में काम किया है, ठीक है, तो वो माशाल्लाह 1 माह में ना ये तकरीबन 6 ऑर्डर कंप्लीट, ऑर्डर वाह छोटे वाह थे बट वाह उसने वाह कर लिया है। वाजी अब वाह, ये है कि इंशाल्लाह ये जो नेक्स्ट एवेल्यूएशन होगी उसमें वो लेवल 1 पे पहुंच दैट्स जाएगा। गुड दैट्स गुड, हम ये चाह माशाल्लाह। रहे थे कि अपवर्क पे जो है हम एज अ एजेंसी काम करें या हम अपने इंडिविजुअल अकाउंट्स क्रिएट करें। अच्छा, दोनों ने करना है या किसी एक ने करना है? दोनों ने करना है, मैंने अपना मतलब एंड्रॉयड का करना है, उसकी हाँ, जो स्किल्स हैं वो 3D एनिमेशन और वीडियो अच्छा, एडिटिंग उसमें उसमें ऐसे करें कि जो 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 करना। यूट्यूब का चैनल आप रखेंगे ना, जिस जो नाम रखेंगे, नाम आपने एक ही रखना है, यूट्यूब हाँ का जी, चैनल भी उसी के लिए वही। मैं कहती हूँ एक ही हाँ, नाम रखना है और उसको तो सोच फिर के उसकी उसके लिए आप जो क्वालिटी। है, जब आप यूट्यूब के चैनल का नाम रख रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप एजेंसी का नाम रखेंगी, आप वो वाला नाम जो है वो अकाउंट का तो नहीं रखेंगी। आपने आपको का नहीं अकाउंट क्रिएट करना है, और वहाँ पे दो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल सेपरेट क्रिएट करनी है, एक के अंदर आपने एंड्रॉयड की सर्विसेज देनी है, और दूसरे के अंदर आपने जो है एनिमेशन की सर्विसेज देनी मतलब है। हम एज अ एजेंसी ही बनाए अकाउंट। हाँ, एज एजेंसी ही डे वन से आप स्टार्ट करें, ताकि जो है आप आगे फर्दर मूव कर सकें। और इट्स यू आर गोइंग वेरी वेल, बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो है 6 ऑर्डर कंप्लीट कर ली हैं, फाइबर से आपने स्टार्ट ले लिया एज जैसे मैंने आपको बताया था, और अभी आप नेक्स्ट स्टेप पे आ रही हैं, हाँ और जी माशाल्लाह जी यू आर डूइंग ग्रेट। इसी तरह से आगे चलती रहें, और कीप यू नो कीप ये मी है पोस्टेड। सारी आपकी नहीं गाइडेंस नहीं की नहीं वजह मेरी से कोई आपने गाइडेंस ये नहीं, सब एजेंसी और फिर अल्लाह ताला इंस्पायर की होकर नज़र हमने है, स्टार्ट उसका किया उसकी था। उसी की तारीफें हैं सब। अच्छा एक तो और बात, मतलब हम एक ही नेटवर्क पे दो अकाउंट तो नहीं ना बना सकते, मतलब मैं अपना तो नहीं बना सकती उसी नेटवर्क पे, मुझे नेटवर्क और लेना पड़ेगा नहीं, किस किस की बात कर रही हैं, फाइबर की? फाइबर की या फाइबर पे फोरजी। आप अपने नाम से एक, अगर आपके हस्बैंड के नाम का अकाउंट है, तो दूसरा आपके नाम का अकाउंट बन सकता है, दैट्स दैट्स नॉट अ एक ही प्रॉब्लम। नेटवर्क पे हाँ, एक नेटवर्क पे डिफरेंट नेम्स के, चाहे आप 10 अकाउंट बनाएं, 20 अकाउंट बनाएं, सेम नेम के नहीं होने चाहिए, सेम पर्सन के नहीं होने चाहिए, सेम प्लेटफॉर्म सेम पर्सन के नहीं होने चाहिए बट डिफरेंट पे। पर्सन के हो सकते हाँ हैं। हाँ एक घर से अगर 4 लोग फाइबर पे काम कर रहे हैं, तो 4 डिफरेंट लोग हैं ना, बस वो आपस में एक दूसरे हाँ को जी जॉब्स ना दें। सही, मतलब हम मेरा तो मतलब लैपटॉप और है, उनका कंप्यूटर और है, तो इससे वो आईपी एड्रेस का मसला तो नहीं होगा। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, मसला नहीं। अगर आप एक लैपटॉप पे भी 2 अकाउंट यूज़ करें, और दोनों अकाउंट्स डिफरेंट हो, तो कोई मसला नहीं होगा। फाइबर पे भी नहीं होगा और हाँ, अपवर्क कहीं पे पे भी भी नहीं नहीं होगा, होगा। अंटिल अनलेस के आप जो है ना, एक ही बंदा 2 अकाउंट क्रिएट कर ले, और दोनों दोनों अकाउंट्स उसके अपने ही हों, बैंक डिटेल्स और उसकी हाँ आईडी कार्ड की डिटेल्स सब सेम हो, और सेम नेटवर्क पे हो, सेम लैपटॉप पे हो, तो तब इशू है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये कंफ्यूजन थी थोड़ी सी मुझे। ठीक जी ठीक ठीक है। है जी, और दानिया मैम से बात हो सकती है? मैंने दानिया ये पूछना मैम, था मेरी छोटी सी बेटी है वो कैसे मैनेज करती थी, मैनेज नहीं वो हो एक रहा नहीं, पूरे तरीके वो से। तो खैर दो दो मैनेज करती थी, बट ये है कि जब सर पे पड़ती है तो इंसान गाली लेता है। वो तो है लेकिन वो छोड़ती है, तंग बहुत करती है, वो रात को सोती नहीं है और हमें तंग करती है। चलें, कोई कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने अगर वो ये कहती है मैं उसी, काम करूंगी, मैं हाँ, अपनी कर भी तो अर्निंग उसी की वजह से करूंगी, रही है अपनी ना, लाइक करेंगी। उसी ने आपको एक डायरेक्शन में लगाया ना, वही मोटिवेशन है ना इसके पीछे, ड्राइव तो वही है। जी है तो वही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो बच्चे ब्लेसिंग हैं, इंशाल्लाह ताला आसानी हो जाएगी आपको, गिव गिव 6 मंथ्स 1 ईयर, इंशाल्लाह सब ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपका टाइम नो प्रॉब्लम दिया। नो प्रॉब्लम, भाई को मुझे जो है वो सलाम दीजिएगा, ना कहिएगा कि अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला आगे मूव करें, जी अल्लाह ताला आप भी आसानियाँ पैदा अपना ख्याल करेगा। रखिएगा, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, ऑलराइट, टेक केयर, बाय ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।